हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था बच्चों कि हम आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है वो कैसा है, कैसे काम करेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कैसे आपको अपनी पेमेंट्स करनी है और कैसे आपको अपनी वीडियोज़ को एक्सेस करना है। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर स्टूडेंट हम लोगों ने आपके लिए ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को अपने लेक्चर्स को एक्सेस करना है, YouTube से आपको शिफ्ट होकर कैसे हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है। बच्चों, हम लोग पॉइंट बनाकर बात करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात हमारे पास में ये है कि फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, मेरी वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, नए बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट नहीं की है, उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है। देखिए, न्यू स्टूडेंट के लिए, जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए प्रोसेस क्या होने वाला है, हम लोगों ने दो प्रोसेस रखे हैं बच्चों। एक प्रोसेस मोबाइल के थ्रू है, यानी मोबाइल ऐप के थ्रू है, और दूसरा वेब के थ्रू है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं वेब की, यानी वेब के थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, विंडोज की किसी भी डिवाइस के थ्रू हम लोग कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं न्यू यूजर या न्यू स्टूडेंट के लिए। ये बात हो रही है, आपको lifilearning.in हमारी वेबसाइट पर जाना है। देखिए, राइट साइड में आपके सामने कॉर्नर बना हुआ है स्टूडेंट, लॉग इन ई पोर्टल के नाम से। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे ही वो लॉग इन ई पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे बच्चों, जैसे ही आप लॉग इन ई पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पेज हमारा वर्चुअल क्लासरूम के लिए, भैया आप ये समझिए कि जैसे आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आते हैं तो आपको रिसेप्शन से गुजरना पड़ता है ना, ये बिल्कुल वही प्रोसेस है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आए हैं ये समझिए, और ये आपका रिसेप्शन है, यहाँ आपको अपनी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करनी है, बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्लियर कर दूँ बच्चों, ये सभी प्रोसेस उनके लिए हैं जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जो बच्चे अपनी डिटेल्स हमारे पास में भेज चुके हैं या अमाउंट हमारे पास में भेज चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है, ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, लाइफाई लर्निंग, वेलकम टू लाइफाई लर्निंग, इस तरीके का होम पेज आपके सामने ओपन होगा बच्चों। यहां पर आपके सामने एक टैग है बच्चों, मोबाइल नंबर। यहां पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर फीड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मोबाइल नंबर फीड करता हूं, 9837882995 3। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर फीड किया। अब जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर स्टूडेंट यहां फीड किया, तुरंत मेरे सामने एक और पेज ओपन हो गया। यहां इसने ओटीपी मांगी है स्टूडेंट, क्या है ओटीपी जरा बताइए। 2084। अब जैसे ही ओटीपी डालने के बाद में हम क्लिक करेंगे, क्योंकि यहां तो हमारा ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, ये एंट्री होने के बाद का पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना स्टूडेंट, आपके पास में ये बैचेस आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, और इनमें से एक बैचेस होगा रजिस्ट्रेशन। आपको इस रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। आप लोगों ने अभी देखा कि जस्ट आपने अपना मोबाइल नंबर वहां पर डाला था, मोबाइल नंबर डालने के बाद में बैचेस, टाइम टेबल, रिपोर्ट्स, पेमेंट्स, चैट्स। एक और ऑप्शन आपके पास में आएगा स्टोर के नाम से, रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो उस स्टोर में पहुंचकर आप कुछ वीडियोस, जो फ्री वीडियोस हैं वो हमारी देख पाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद आपकी डिटेल्स हमारे पास में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपकी पेमेंट यानी 250 रुपीज़, ये पेमेंट का ऑप्शन है स्टूडेंट, यहाँ से इस पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर आपको 250 रुपीज़, पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर जाकर आपको 250 रुपीज़ अपनी सबमिट करानी है। अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, जस्ट हाँ, पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर जाकर जब आप खोलेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 250 रुपीज़ आपको अपनी सबमिट करानी है। जैसे ही 250 रुपीज़ आप अपनी पेमेंट को सबमिट कराएंगे, आपको 3 डेज के लिए एक्सेस मिल जाएगा। यानी आप ये समझिए
कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन 3 दिन के लिए आप हमारे वीडियोस लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि 3 दिन में आप अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई कैसे आपकी क्लास चलनी है, क्लास में कैसा कंटेंट आपको दिया जाना है, आप उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएंगे। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद में ये जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कराया था बच्चों, ये एक्सपायर हो जाएगा। यानी ये सिर्फ 3 दिन की क्लास के लिए है, आप लोगों के लिए 3 दिन के बाद में ये रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको क्लास कंटिन्यू करनी है स्टूडेंट, तो पेमेंट पर पहुंचकर आपको क्या तो अपनी मंथली फीस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या क्वार्टरली फीस, या हाफ ईयर फीस, या कंप्लीट ईयर फीस, आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होंगे स्टूडेंट वहाँ पर, कि आप मंथली बेसिस पर फीस पेमेंट करना चाहते हैं, आप क्वार्टरली बेसिस पर करना चाहते हैं, आप हाफ ईयरली बेसिस पर करना चाहते हैं, या फुल ईयर बेसिस पर करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के तुरंत बाद यहां से आपको एक एक्सेस कोड दे दिया जाएगा, और उस एक्सेस कोड के बाद में स्मूथली आप अपने लेक्चर्स को बड़े आराम से देख पाएंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों, कि जब आप पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद में लेक्चर्स तो आप देख ही पाएंगे, लेक्चर्स के साथ साथ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लाइक कैसे भाई, डेली आपको डीपीपीज मिलेंगे स्टूडेंट, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी के ऊपर 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, उसकी एक डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी। जब हम लोग ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं, तो एवरी सैटरडे हम बच्चों का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एक पूरा टाइम टेबल होगा, प्री टाइम टेबल होगा, पहले से प्रिपेयर टाइम टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट की पूरी एनालिसिस होगी, आपने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया है, कितना टाइम लेना चाहिए था, कितनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसकी सभी रिपोर्ट्स वाया SMS आपके पास में स्टूडेंट पहुंचती रहेंगी। तो बच्चों, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है थ्रू वेब। वेब के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से करा सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। लॉगिन ई पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन ई पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगी, OTP डालनी है। ठीक है, इतना करने के बाद में आप सीधा अंदर पहुँच जाएंगे, यानी नेक्स्ट पेज पर हमारे पहुँच जाएंगे। कुछ इस तरीके का पेज रहेगा स्टूडेंट, जहाँ आप पहुँच जाएंगे। इस पेज पर पहुंचकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ कैटेगरीज बनी होंगी, रजिस्ट्रेशन वाले बैच पर आपको क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है रजिस्ट्रेशन कराने में, या आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर अभी भी हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारी टेक्निकल टीम की सपोर्ट ले सकते हैं कि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन मैन्युअली कर दिया जाएगा बच्चों। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये काम आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मंडे यानी कल से आप लोगों को प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट करेंगे बच्चों। तो ऐसे में आप लोग यूट्यूब के ऊपर तो लेक्चर नहीं देख पाएंगे, अगर लेक्चर नहीं देख पाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी का लॉस होने वाला है। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अच्छा, ये बात तो हो गई स्टूडेंट उन लोगों की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अब हमारे सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो कहेंगे कि सर हमने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, हमारा क्या होगा। अरे भैया, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने अपनी डिटेल्स, अपनी फीस 250 रुपीज़ हमारे पास में भेज दी है, आप ये समझिए कि ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालकर आपको एंटर होना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको ऑटोमेटिकली 3 डेज का एक्सेस दे दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली 3 दिन का एक्सेस दे दिया जाएगा। आप 3 दिन तक वहाँ वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आपका भी प्रोसेस वही है, आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, देन आपको वीडियो अगेन आगे फॉरवर्ड लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड कंडीशन में जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, अपनी फीस भी सबमिट करा ली है, उन लोगों को भी ऑटोमेटिकली स्टूडेंट एक्सेस मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालकर सीधा वीडियोज़ देखनी है, जो भी बैच की आपकी वीडियो हैं, क्रैश है, 12th है, 11th है, whatever जो भी है, वहाँ आप लोग बड़े आराम से अपनी वीडियोस को रन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बात हो गई है वेब की। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट ऐप की। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से, देखिए कन्वीनियंट तो यही रहेगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है यार, मैं भी ज़्यादातर मोबाइल का ही यूज़ करता हूँ, लैपटॉप का यूज़ बहुत ही कम हो पाता है। और हमारे जितने बुद्धिजीवी बच्चे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि वो भी ज़्यादातर मोबाइल का ही यूज़ करेंगे।
आप जैसे ही Google Play Store से हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे, पहले मैं आपको ऐप का नाम बता देता हूँ स्टूडेंट, ऐप का नाम है LiFi Learning। जैसे ही LiFi Learning ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद तुरंत इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल वही काम आप लोगों को करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके पास में OTP आएगी, OTP को डालना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन बैच में आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, 250 rupees सबमिट करने हैं, 3 दिन का एक्सेस आपको मिलेगा, उसके बाद में फीस सबमिट करनी है, देन आपको कॉन्टिन्यूस एक्सेस मिल जाएगा। उसी मंथली फीस में आपकी DPPs, आपके ऑनलाइन टेस्ट, एवरीथिंग, आपका होमवर्क, सब कुछ हम उसी के अंदर मैनेज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। बड़ी डेडिकेटेड टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है बच्चों, 16 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आप घर बैठकर आराम से हमारे लेक्चर को अच्छे तरीके से देख सकें। तो ये वेब और ऐप दोनों का प्रोसेस स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं इतनी उम्मीद यानी इतना मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं बच्चों कि ये जो हमारा ऐप और वेब है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और आपको खूब मजा आने वाला है इस प्रोसेस के अंदर, अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़कर, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब एक बात तो हम लोगों की ये खत्म हो गई है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस सबमिट कैसे करनी है, एक्सेस कैसे लेना है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अच्छा, वीडियो के साथ जो वीडियो आपके पास में, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये थ्रू SMS आपके पास में पहुंचेगी, और जैसे ही आप वीडियो को ओपन करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या वेब, मैंने वेबसाइट का नाम आपको बता दिया है LiFiLearning.in, वहां जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी बिना समय खराब किए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई भी असर ना पड़े, तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी फीस को सबमिट करें और आगे का काम स्टार्ट करें। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है। इंफॉर्मेशन यह है कि 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल तक की वीडियो आपके पास में एज इट इज वहीं मौजूद रहेंगी। 6 अप्रैल के बाद की वीडियोस यानी 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, इन सभी वीडियोस का जो एक्सेस आप लोगों को मिलेगा वो ओनली 48 आवर्स के मिलेगा। सिर्फ 48 घंटे के लिए आपको वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। उस 48 घंटे के दौरान आप कितनी भी बार उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स उन वीडियोस को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि 48 घंटे के अंदर जो वीडियो आप लोगों के लिए हम लोगों ने पब्लिश की है वो आप लोग स्टूडेंट देख ले, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर, आपकी फीस पेमेंट को लेकर, आपके नए प्लेटफॉर्म को लेकर, जिसे आप मोबाइल ऐप यानी गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वेब के ऊपर भी आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहती है, स्क्रीन पर नीचे आपके सामने नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी आप कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल सपोर्ट 24/7 आप लोगों के लिए लगी हुई है, कभी भी आप कॉल करें। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं कोई इशू नहीं है, होता है कई बार कि हम लोग इतना टच में नहीं होते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन ना करा पाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारी टीम को कॉल करें, कॉल करने के बाद में अपनी डिटेल्स भेजें, यहां से ऑटोमेटिकली हम आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। बच्चों, कोई भी आप लोगों की इस वीडियो को लेकर क्वेरी रहे या कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम रहे, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।